तो लास्ट क्लास में मैंने जब ई कॉमर्स की वेबसाइट को बना रहा था तो उसमें प्रिज्मा से मंगोडीबी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसमें कुछ एरर आ रहा था जिसको बाद मैंने छोड़ दिया था। बट मैंने जब उसको चेक किया तो पता चला कि ना गलती कुछ और ही है, तो उसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले तो मेरी गलती ये रहेगी कि यहाँ पे स्कीमा बनाने के बाद जो हम लोगों ने स्कीमा बनाया है, पहले तो वो चेक कर लीजिएगा कि प्रोवाइडर आपका मंगोडीबी होना चाहिए और आपका यूआरएल यहाँ पे कॉन्फिग होना चाहिए। तो यूआरएल में गलती ये है कि जो यूआरएल लिखे हैं उसमें लास्ट में स्लैश लगा कर डेटाबेस का नाम जरूर लिखिएगा। तो जैसे स्लैश प्रोडक्ट स्लैश शॉप है, तो ये शॉप नाम का डेटाबेस बन जाएगा, उसके अंदर जो कलेक्शन आप बना रहे हैं मॉडल के फॉर्म में वो बन जाएगा। तो वो एक छोटी सी गलती रह गई। दूसरी वजह ये है कि हम लोग जो कमांड चला रहे थे तो उसमें पुल पुल का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि कमांड पुल नहीं पुश होगा। तो प्रिज्मा और उसके बाद डीबी और पुश, सिंपली पुश। तो ये पुश जैसे करेंगे देखिएगा थोड़ी देर में ये जनरेट होने लगेगा। देखिए ये जनरेट भी हो गया। तो ये क्या क्या जनरेट किया वो सब बता रहा है आपका। कलेक्शन बनाया है कैटेगरी नाम से, कलेक्शन मतलब यहाँ डेटाबेस बोलते हैं, मंगोडीबी में कलेक्शन टेबल को बोलते हैं। तो ये है प्रोडक्ट और ये है दो यूनिक यूनिक स्लग, ठीक है। तो ये सब बन के तैयार हो गया। अगर आप देखना चाहें तो आप मंगोडीबी को खोल कर देख सकते हैं। मंगोडीबी का कंपस खोल लेते हैं और वहाँ आपको मिलेगा डेटाबेस बना हुआ, उसके अंदर कलेक्शंस। और देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, पहले देखिए शॉप नाम से बन गया। अभी शॉप के अंदर वो दोनों टेबल की तरह बन गया है जो कलेक्शन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं एक आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मंगोडीबी लोकल में हम लोग बनाते हैं उसकी जगह पे हम क्लाउड बेस्ड भी बना सकते हैं। उसको हम नॉर्मली बोलते हैं मंगोडीबी एटलस, मंगोडीबी एटलस। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, मंगोडीबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। ये ऑनलाइन कैसे जाना है वो बता रहे हैं आपको। मंगोडीबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे क्लिक कीजिएगा। सिंपली आपको साइनअप के लिए मिलेगा, गूगल से आप साइनअप कर सकते हैं। ये मैं गूगल से साइनअप कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे भी आप डेटाबेस बना सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं और यहाँ का कनेक्शन भी वहाँ देख सकते हैं मंगोडीबी के कलेक्शन में। लोकली आप इसको छोड़ सकते हैं, तो लोकली आपको इसलिए छोड़ना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल में आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन वगैरह। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए लॉगिन हो गया है, लगभग क्लस्टर बोलते हैं यहाँ पे, क्लस्टर लॉगिन हो गया है। इसका यूआरएल मिलेगा, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये यूआरएल को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। सब चीज़ आपको दिखाते हैं हम, बस मैं कनेक्शन करने का तरीका चेंज करूँगा। बाकी मैंने जो इंसर्ट का कोड लिख रखा है वो है इंसर्ट कैटेगरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर्म पूरा तैयार है और यहाँ पे एपीआई जो है ना वो पोस्ट होता है। एपीआई मेरा यहाँ पे बना हुआ है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, एकदम सब कुछ ठीक है यहाँ पे। बस मुझे यहाँ पे कनेक्शन को चेंज करना है, बाकी सब काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये इसका जो डैशबोर्ड पेज है वो ऐसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सिंपली क्रिएट करेंगे। तो क्लस्टर को क्रिएट करना है, ये देखो सर्वरलेस बनाना है या डेडिकेटेड। तो आप बेसिकली यहाँ पे फ्री वाला जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड मंगोडी भी एक्चुअली में फ्री नहीं होता, इसलिए ये सारी चीजें, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, काफी दिनों के बाद देख रहा हूँ, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। हाँ लीजिए हो गया, ये थोड़ा टाइम लगा इसमें इसको रीबिल्ड करने में, तो फिर कोई इश्यू नहीं है, अब हो गया। बस मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, कनेक्ट पे कंपास पे कनेक्ट करना मानो, तो ये यूआरएल मुझे मिल जाता है जो कि आईडी और पासवर्ड के साथ है। तो मुझे एकदम पासवर्ड तो बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने पासवर्ड क्या रखा था, बट फिर भी देखते हैं।
एडिट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हाँ क्रिएट डेटाबेस यूजर, तो ये ठीक है, ये पूरी तरह से काम कर रहा है। मैं अगर इसका देखो, ठीक है, तो बेसिकली हम इन्वायरमेंटल बता रहे हैं आपको। नॉर्मली हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, और कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखो ENV, तो जो भी आपके मंगो डी ये वाला में से के साथ रिप्लेस कर देना बस। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लास्ट में बता देना है अगर आप ऐसे चाहें तो, अगर ठीक है। और दूसरा चीज़ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पासवर्ड मुझे बताना है, जो मैं बहुत पुराना पासवर्ड है इसलिए मैं भूल गया हूँ, मैं रीसेट करके फिर